देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्योंकि ये ब्रॉड फ्री टू मूव है तो किसी भी पॉइंट का बॉर्ड आ सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के बॉर्ड लगा लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के बॉर्ड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो, है ना। अपने पास अपने को एक इक्वेशन और चाहिए रहेगी, और वो वाली इक्वेशन निकल कर आएगी अपने को कहाँ से, ई की इक्वेशन से। ई बराबर क्या होता है, वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, या फिर जिसको अपने यहाँ पे लिख रखा है ऐसे, वेलोसिटी सेपरेशन बराबर वेलोसिटी अप्रोच, क्योंकि ई की वैल्यू जो है इलास्टिक कोलिजन के लिए वन हो जाएगी। तो वहां से अपन ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं। दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है कितनी स्पीड से चल रहा है, इसके यू वी और ओमेगा जो है वो सब चीजें यहाँ से निकल के अपने पास आ जाएंगी। अब अपन को बात करनी है पॉइंट ए की स्पीड के लिए, तो वो अपन चेक कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी चेक कर सकते हैं, इंपल्स ऑफ द इंपैक्ट फोर्स। इंपल्स के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा ना, इंपल्स के लिए अपन को लगाना पड़ेगा एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। तो वहां से अपन लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे ये चीज जो है ये गलत लिखी हुई है, ये होगा एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू, अगला जो टर्म है वो तो वैसे का वैसे ही 72 वी बाय 55 एल बराबर ये हो जाएगा इधर से एन इंटू एल बाय 4 इंटू डी टी का इंटीग्रल। तो अपन को क्या चाहिए, अपन को इंपल्स चाहिए। तो इंपल्स बेसिकली क्या चाहिए, अपन को एन डॉट डी टी की वैल्यू चाहिए अपन को। तो वो अपने पास बेसिकली निकल के आ जाएगी यहाँ से कितनी, ये निकल के आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू 72 वी बाय 55 एल इंटू 4 बाय एल, एक एल से एक एल मर गया, 4 से ये 3 गया, 3 से ये आ गया 24। हाँ तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास कितना, यहाँ से एक एल से ये भी मर जाएगा तो आ जाएगा 24 एम वी बाय 55।